हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन के बारे में। सी में हर एक वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर एक मेन प्रोग्राम के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट में काउंट वेरिएबल को यूज़ किया है, लेकिन मैंने इससे पहले इसको डिक्लेयर नहीं किया तो ये मुझे कंपाइलेशन के टाइम पे एरर दे देगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या करता है, कंपाइलर को हमारे वेरिएबल के डेटा टाइप के बारे में बताता है। हमने जैसे पढ़ा था कि डेटा टाइप हमारे चार टाइप के होते हैं, करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल। तो क्या बताता है कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन के एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे मैंने एक इंटीजर टाइप का काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसी तरह मैंने एक फ्लोट टाइप का प्राइस वेरिएबल डिक्लेयर किया है और करेक्टर टाइप का कोड वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहाँ पर काउंट, प्राइस और कोड क्या है, मेरे वेरिएबल्स के नाम है, और इंट, फ्लोट और कैर क्या है, मेरे डेटा टाइप बता रहे हैं कि काउंट का डेटा टाइप इंटीजर है, प्राइस का डेटा टाइप फ्लोट है और कोड का डेटा टाइप कैर है। अब इसके बाद अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट में काउंट यूज़ करता हूँ तो क्योंकि मैंने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर कर रखा है तो कंपाइलर इसे सही कहेगा। अभी यहाँ पर मैंने हर एक लाइन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अगर मुझे मान लो इंटीजर टाइप के दो या तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने होते, इस तरह फ्लोट टाइप के दो तीन करने होते, करेक्टर टाइप के दो तीन करने होते, तो मैं अगर हर एक लाइन में एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करता तो मेरा कोड क्या है, काफ़ी लंबा हो जाता। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सेम टाइप के वेरिएबल्स एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू और सम दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। रेट और टाइम दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, फ्लोट टाइप के। और इनिशियल नेम और एनिमल तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, किस टाइप के, करेक्टर टाइप के। तो अगर सेम टाइप के वेरिएबल्स हैं तो मैं उन्हें एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसी तरह अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने कोई इन्हें इनिशियल वैल्यू पे असाइन नहीं किया है, तो मैं डिक्लेरेशन के टाइम पे इन्हें कोई इनिशियल वैल्यू पे असाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ए को वैल्यू क्या असाइन किया है, 10। बी को क्या असाइन किया है, 2 × 10 + 5। यानी ये जरूरी नहीं है कि मैं उसे पूरा एग्जैक्ट वैल्यू असाइन करूँ, मैं एक्सप्रेशन के टर्म्स में भी उसको दे सकता हूँ। तो ये बी में क्या स्टोर करेगा, 2 × 10 = 20 + 5, तो बी में क्या स्टोर करेगा, 25। इसी तरह मैंने फ्लोट में क्या किया है, सी की वैल्यू इनिशियल दे दी है 30.5 और डी की क्या दे दिया, 40.6। इसका करेक्टर में एक्स को इनिशियलाइज कर दिया मैंने ए से, वाई को जेड से और जेड को भी जेड से। तो यानी हम दो अलग अलग वेरिएबल की सेम इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ऑर्डर ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन मैटर करता है या नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पर ए को पहले डिक्लेयर किया फिर बी को डिक्लेयर किया है, अगर मैं बी को पहले डिक्लेयर करता फिर ए को करता तो क्या वो मैटर करता है या नहीं करता। तो अगर वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट है, जैसे कि यहाँ पर मेरे के और एल, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, तो के को पहले डिक्लेयर करूँ चाहे एल को पहले डिक्लेयर करूँ, ये दोनों सेम है। ये के इक्वल टू 10, एल इक्वल टू 15, और फिर एल को पहले डिक्लेयर करना, के को बाद में डिक्लेयर करना, ये दोनों सेम है। बट अगर मेरे वेरिएबल डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का मतलब है जैसे यहाँ पर जी वेरिएबल किसका यूज़ कर रहा है, एफ का यूज़ कर रहा है, तो उस टाइम पर मेरा ऑर्डर मैटर करेगा। उस टाइम पर मैं जिस वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ उसकी मुझे डिक्लेरेशन पहले करनी पड़ेगी। तो इंट एफ इक्वल टू 10, पहले मैंने डिक्लेयर किया एफ को और फिर जी में इसको यूज़ किया, तो ये है ओके। पर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, जी में एफ को यूज़ कर लिया बिना उसको डिक्लेयर किए, और फिर बाद में उसको एफ को डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए ये नॉट ओके है। कंपाइलर कंपाइल टाइम पे हमें एरर दे देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, चेन असाइनमेंट। चेन असाइनमेंट बेसिकली क्या होता है, एक ही लाइन में कई सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, पी, क्यू, आर, और मैंने क्या लिखा, पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू 10। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, आपके तीनों वेरिएबल पी इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 10 हो जाएगा और आर इक्वल टू 10 हो जाएगा। तीन वेरिएबल आपके इनिशियलाइज हो जाएंगे 10 वैल्यू, सेम वैल्यू से। तो इसे बोलते हैं हम चेन असाइनमेंट। पर मैं चेन असाइनमेंट का यूज़ मेरे वेरिएबल डिक्लेरेशन की लाइन में नहीं कर सकता। जैसे नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पर क्या किया, इंट पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू 10, तो ये कंपाइलर इसको गलत बताएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने क्यू को डिक्लेयर नहीं किया है अब तक और मैं उसे पी में असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये रॉन्ग है। तो पहले हमें क्यू को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर उसे हम चेन असाइनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये राइट है और ये रॉन्ग है। तो ये था हमारा डिस्कशन वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।